कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा, सहायता नहीं मिल रही है मुझे, और न ही पुलिस प्रशासन मेरी कुछ सुन रहा है और न ही राजस्व विभाग अधिकारी भी नहीं सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा, इसलिए मैं आज यहाँ बैठी हूँ। पिपरिया बनखड़ी क्षेत्र में भू माफियाओं की दबंगता के चलते कई लोग परेशान हैं। अब इससे सत्ताधारी पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी भी अछूते नहीं रहे। सोमवार को जमीन कब्जे को लेकर सत्तारूढ़ी पार्टी भाजपा की पिपरिया नगर उपाध्यक्ष रेखा स्वामी तहसील कार्यालय के सामने अनशन पर बैठ गई। उन्होंने बताया कि मेरी पुश्तैनी जमीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो गाली गलौज करते हैं और मारने की धमकी भी देते हैं। मैं 2 साल से पीड़ित हूं, अधिकारियों से बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मेरा नाम रेखा स्वामी है। अच्छा। मैं पास के गांव तरोन कला से हूँ। वहां पर पुरिया समाज के लोगों ने इलीगल तरीके से मेरी जमीन पे कब्जा कर रखा है। जो व्यक्ति ने उनको जमीन बेच कर गया है वो व्यक्ति उस गाँव का नहीं है और पूरी जमीन पे कब्जा कर लिया है। मैं 1 साल से परेशान हूँ और यहाँ चक्कर लगा रही हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है। आपकी आप भारतीय जनता पार्टी में कौन से पद पर? जी मैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हूँ, नगर उपाध्यक्ष। जिला के जिला नगर उपाध्यक्ष हूँ। नगर उपाध्यक्ष। क्या आप कितने साल से हैं भारतीय जनता पार्टी? मुझे करीबन 15-20 साल हो गए। आप महिला मोर्चा में भी? जी मैं जिला कोषाध्यक्ष रह चुकी हूँ महिला मोर्चा में। लगातार आपने जनसंपर्क में विधायक का साथ दिया, सांसद जी का साथ दिया, लेकिन आज कोई भी जनप्रतिनिधि आपके साथ नहीं, ना ही अधिकारी, क्या कारण? अब ये तो वही जाने। आप कब से आज जो अनशन पर बैठे हैं, क्या कारण से बैठे? मेरी सुनवाई नहीं हो पा रही है आज। वो पूरी तरह से मतलब उन्होंने कब्जा करके रखा है, जगह पे पूरी धान फैला के रखी है, आए दिन गाली गलौज करते हैं, मारने के लिए खड़े होते हैं। मैं और मेरा पति हम दोनों ही मारने लड़ते हैं अकेले और वो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा, सहायता नहीं मिल रही है मुझे, और न ही पुलिस प्रशासन मेरी कुछ सुन रहा है और न ही राजस्व विभाग अधिकारी भी नहीं सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा, इसलिए मैं आज यहाँ बैठी हूँ। बीजेपी नेता रेखा स्वामी जो है अनशन पर बैठी हैं, क्या है पूरा मामला? जैसा कि अभी मेरे संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया है, इनका एक प्रकरण मेरे यहाँ चला था, कमल किशोर आत्मा छोटे लाल के नाम से, तरुण का। इनको एक पट्टा मिला है 30x30 का, 900 वर्ग फीट का पट्टा इनको मिला हुआ है, जिस पे कोई वहाँ कब्जा कर रहा होगा, जिसके संबंध में इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसका प्रकरण क्रमांक 192A/B121 दर्ज किया गया, जो 25/3/2021 को मेरे द्वारा इसमें आदेश पारित किया जा चुका है। आदेश अनुसार इनके जो कब्जे की इनका जो मकान बना है पट्टे वाली भूमि पर, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इनकी जो मांग है, इनकी मांग है कि जो इसके अतिरिक्त आबादी की शेष भूमि है उसका कब्जा इनको दिलाया जाए, जो कि मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इस कारण से उसका कब्जा मैं नहीं दिला सकता। उनका कहना है सर पुश्तैनी जगह है वो उनकी, तो क्या उस पुश्तैनी जगह उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो व्यक्ति लंबे समय से उसको यूज करता है? आबादी का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए मकान बनाकर रहने के लिए होता है, और उस पर यदि इनका मकान बना हुआ है उसके संबंध में आदेश पारित किया गया है, उस पर कोई हस्तक्षेप करेगा तो उस पर अधिकारिता है मुझे। इसके अतिरिक्त शेष जो भूमि है उसका कब्जा अनाधिकृत रूप से मैं नहीं दिला सकता।